अभी जो माइक हमने लिया था उसका फराज भाई ने बोला कि मतलब बॉडी को खुजा रही थी और अचानक से मतलब इसको एक टिक्स था वहाँ पे शायद। और ये देखिए लक्ष्मण को बारात देखने में कितना बिजी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नए ब्लॉग में। तो हमारा नहाना धोना हो गया है और आज नहाने के बाद ही मैंने ब्लॉग को चालू किया क्योंकि सुबह सुबह मतलब बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, गर्मी सा लग रहा था, तो जाके हम नहा लिए। और अभी हम जा रहे हैं दुकान क्योंकि कुछ सामान लाके दे रहे हैं तो उसके लिए जा रहे हैं। और आज मायका लौटाने का प्रयास करेंगे, अगर लौटाया तो ठीक है, नहीं लौटाया तो कुछ किया नहीं जा सकता है। एक पैसेंजर को देखिए गोपाल जी को किस तरीके से सो रही है। तो चलिए चलते हैं क्योंकि वहाँ पर भी काम के लिए लेट हो रहा है ना, चलते हैं। तो फराज भाई के पास तो हम आ गए हैं, साथ में हमारे संतोष जी भी आए हैं। कुछ सामान लेना है जो हम जल्दी से लेते हैं। और ये जो फेविकोल है वो भी हमारा ही है। और अभी जो माइका हमने लिया था उसका फराज भाई ने बोला कि मतलब आप जैसे स्टार का माइका ले गए हैं तो आप स्टार का ही वापस से माइका लेके मतलब एक्सचेंज कर देंगे क्योंकि ये भी रिटर्न नहीं कर पाएंगे ना उसको। देखिए आप उसी बुक में से फिर से दूसरा कुछ पसंद करना पड़ेगा और मतलब पापा को ही बोलेंगे कि पसंद कीजिए कि हम तो जो पसंद किए वो उनको पसंद आया नहीं। तो फालतू का एक बड़ा लेंदी सा प्रोसेस हो गया यार। और आज हमारे फ्लैट में ग्राइंडिंग का काम हो रहा है, मतलब ये जो पूरा डोर है ना इसको घिसा जाएगा और उसके बाद इस पर माइका लगाया जाएगा। पूरा धूल धूल हो गया है। और हम आ गए नीचे और बेचारे जो हमारे कारपेंटर्स आए हैं इतना मतलब कन्फ्यूज हो गए ना, पापा इतना कन्फ्यूजन में डाल दिए हैं, कभी बोल रहे हैं लगाना है, कभी बोल रहे हैं नहीं लगाना है। तो बोल रहा है सर फाइनल करके बताइए। अब जब तक वो फाइनल करके नहीं बताएंगे तब तक वो क्या लगाएगा। इनका भी दूसरा साइट है, इनको भी काम करना है, अगर यहाँ से कम्प्लीशन नहीं होगा फिर ये दूसरे जगह हाथ नहीं लगा पाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं घर, मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी कुछ देखो नहीं तो फिर काम कैसे होगा। तो सारे बच्चे अभी मस्त सो रहे हैं, अभी इनके खाने का टाइम तो नहीं हुआ है, 2-3 घंटे बाद ही होगा। और अभी कल का जो मैंने वीडियो एडिट किया था उसमें वाइट बैलेंस का मतलब बहुत दिक्कत हो रहा था। पिछले वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी कल रात में मैंने थोड़ा दिमाग लगाया था लेकिन वो सही नहीं हो पाया था। तो अभी फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि अगर कुछ हो पाए तो उसको हम सुधार लेंगे। तो यार इतने मेहनत से शूट करो और उसके बाद जब वीडियो डालो तो खराब क्वालिटी हो जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो अभी हम फिर से एक बार करेक्शन करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो सही है, नहीं होगा तो फिर उसी तरीके से अपलोड करना पड़ेगा। बिजोई ऐसे ऐसे करके अपने बॉडी को खुजा रही थी और अचानक से मतलब इसको एक टिक्स था वहाँ पे शायद, वो टिक्स पे मारी तो मतलब वो हट गया और वहाँ से इसका ब्लड आने हल्का हल्का करके ब्लड आने लगा। अभी तो मैंने इसको साफ कर दिया वैसे, लेकिन देखो यार देखो अभी आ ही रहा है सर। मतलब टिक्स वाला प्रॉब्लम जो इतना खराब प्रॉब्लम है ना मैं आपको बता नहीं सकता। पहले तो आप इसको हटा नहीं सकते हो, आप जबरदस्ती खींच नहीं सकते हो। बेचारी ऐसे ऐसे करते करते वो बाहर आ गया और जबकि इतना छोटा सा था, मैंने देखा उसको इतना छोटा सा था, लेकिन देखो यार कितना ज्यादा डेंजरस होता है ये। मैंने डेटॉल वगैरह से साफ तो कर दिया है और एक स्प्रे लाया था ना हमने वाउंड वाला वो भी मार दिया, कम हो जाएगा थोड़ी देर में। और इन लोगों ने प्रण ले लिया है कि मुझे काम नहीं करने देंगे। अब मैं एडिटिंग वाला कर रहा था, एक तो यार मैंने ये 2022 प्रीमियर डाला है ना तब से मैं चक्कर में पड़ गया हूँ। आज मेरा वीडियो एडिट हो गया नहीं होगा मुझे पता ही नहीं है, ये इतना लैग कर रहा है ना, जबकि मेरा जो लैपटॉप का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा है, ग्राफिक्स भी मैंने बहुत 8GB डलवा रखा है तो वो एनफ है, लेकिन पता नहीं कि ये क्यों लैग कर रहा है। शायद मैं प्रॉक्सी पायरेटेड यूज कर रहा हूँ इसलिए कर रहा है, लेकिन पहले भी तो मैं वही कर रहा था, तो पहले तो नहीं करता था बट अभी पता नहीं क्यों कर रहा है। अब जब मैं काम कर रहा था 4 से 5 बजे के बीच में मैं इन लोगों को खाना देता हूँ, टाइम हो गया 4:10, अब ये लोग परेशान हो गए खाना खाने के लिए। अब इतना ज्यादा बदमाशी करने लगे ना, कोई लैपटॉप पे कूद रहा है, कोई मेरे शरीर पे कूद रहा है, इतना ज्यादा बदमाशी करने लगे कि भाई आप काम नहीं कर पाओगे, आपको मजबूरन उठना पड़ेगा, लैपटॉप को रखना पड़ेगा और इन लोगों को खाना देना पड़ेगा, ऐसा सीन हो गया मेरे साथ। और अभी जो जोई का वो ब्लड आ रहा था ना वहाँ पे मैंने थोड़ा सा अच्छे से सफाई कर दी है। कहाँ रहता बेटा दिखा मेरे को, ये देखो मैंने सफाई अच्छे से कर दी है यहाँ पर। ये इतना बुरा चीज़ है ना यार टिक्स वाला, अब खींच के निकालना नहीं है, अभी तो एक पाउडर में यूज कर रहा हूँ ये पाउडर मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन इससे क्या होता है ना कि वो भाग जाता है और घर में ही घूमते रहता है, जैसे ही पाउडर का असर खत्म होगा वो फिर से आ जाएगा। जो स्पॉटन था ना उससे वो मर जाते हैं, वो तो इतना हार्ड केमिकल होता है कि उससे मरना ही मरना है। तो अगर इस ये काम नहीं करेगा तो फिर हम स्पॉटन यूज करेंगे और तो कोई उपाय है नहीं। और अभी हमारे पास 7 है तो दिक्कत ये है कि एक को होगा ना तो धीरे धीरे सभी को हो जाएगा, तो उपाय आपको पहले से ही करना पड़ता है। तो चलते हैं अब इन लोगों को खाना वाना देते हैं, ये वाला कार्यक्रम पूरा करते हैं पहले क्योंकि भाई ये सबसे जरूरी कार्यक्रम है। तो भैया जी अभी हम जा रहे हैं कारपेंटर साहब को कुछ सामान देने,
सामान है वाइट वाला माइका जो बार बार घट जाता है। घट इसलिए जाता है क्योंकि वाइट माइका जो है ना वो सारे वाटर के अंदर लगाने का काम आता है, उसका खर्च ज्यादा होता है। और आज भाई को तो हमने बोल दिया कि भाई निकाल के रखो हमारे, तो जाते हैं और जाके पहुंचा के आते हैं जल्दी से। तो ये देखिए कारपेंटर साहब अभी काट रहे हैं माइका और इसको लगाएंगे वार्डरोब पे। काफी मेहनत का काम है ये, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो घर पे तो हम आ गए भाई साहब, और ये आते वक्त मैंने अतुल भाई के पास से शैम्पू लिया है इन लोगों के लिए। मैं शुरू से हिमालय ही यूज करता हूँ, मतलब वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं लेकिन हिमालय ही मैं प्रेफर करता हूँ कि ठीक है। और ये देखो ये झोला बैठ के फाड़ रही है। और लड़की ब्राउनी समझाओ इसको, गोपाल सोई हुई है इधर, जो इधर है स्वेटर नहीं पहनेगी है, शर्ट पहनेगी अभी। और ये देखिए लक्ष्मण को बारात देखने में कितना बिजी है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि इसी का बारात है। एक भी बारात अगर घर के सामने से जाता है ना तो ये जरूर देखता है उसको। और यार बहुत दिन से अपनी ख्वाहिश थी ना कि दही चूड़ा खाते हैं, तो एडिटिंग अभी जस्ट कंप्लीट ही हो रहा है, मतलब रेंडर भी लगा रखा है, तो दही चूड़ा खाते हैं। और हमारे सारे बच्चे अभी फिलहाल सो रहे हैं, अभी 10 बज गया है, बस 15 मिनट के अंदर वीडियो डालेंगे और इन लोग को खाने के लिए देंगे। और ये देखो अभी ये ऊपर में चल रहा है, पता है ये ऐसे ही, मतलब ये जब भी बेबी देते हैं ना इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और परेशान करते हैं ये लोग को। और हमने पाउडर डाला है ना इस कारण से ऊपर में चल रहा है, नहीं तो अंदर घुस के तबाही मचा देते। अब इसको उठा के फेंक देते हैं क्योंकि मारना अच्छा नहीं लगता है, ये भी कोई क्रिएचर ही है, इसको हटा देते हैं बस।